10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes, we know to cut the cake. We're going to break this cake. Come on, Chalai. Come on, come on. Break it properly, man. Come on. Hit everywhere. Whoa. Oh, this is a final hit for the dad. Whoa. Hey, come on, friends. With a clap, man. Come on, everybody. शिवांश का जन्मदिन है, 2 साल का हो गया और वक्त कैसे जा रहा है पता ही नहीं चल रहा। तो अब काफ़ी खुश है, वो काफ़ी खुश है, तो बहुत अच्छा दिन है, बस एंजॉय। माँ के लिए साहब यू नो ये दिन बहुत स्पेशल होता है, बच्चे जब बड़े होते हैं, बच्चों का जन्मदिन आता है और उसको उसके लिए प्रिपरेशन करना, ये उसकी सबसे फेवरेट थीम है हम्प्टी डम्प्टी। सो ही जस्ट गोइंग क्रेजी लुकिंग एट हम्प्टी डम्प्टी एवरीवेयर। तो मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन है, दैट माय बॉय इज वेरी हैप्पी। यू नो यहाँ पर हमें ढेरों सारी प्लानिंग दिख रही है एंड आप लोगों ने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से किया। आप लोग बताइए कि आप लोगों ने कितनी कुछ स्पेसिफिक प्लानिंग आप लोगों ने और की हुई है? वेल ऑनेस्टली मैंने शिवांश को यहाँ लाने के अलावा कुछ नहीं किया। सारा उनकी मदर ने किया और सारा अच्छा प्रिपरेशन किया। तो ये घर का डिपार्टमेंट इन्हीं का है, हमारा तो काम है खाली प्रोवाइड करना। ये प्रोवाइड करता मैं स्पेंड करती हूँ। तो ज़रा बताइए कितने कुछ स्पेसिफिक प्लानिंग यहाँ पर हुई है एंड यू नो जो थीम है हम्प्टी डम्प्टी बहुत रेयर थीम है, बहुत लोग करते नहीं है, तो उसको और मेरे बेटे की फेवरेट है, तो उसको दिमाग में रखते हुए कि क्या कर सकते हैं, हर जगह एग्ज होने चाहिए, हर जगह हम्प्टी डम्प्टी शेप होने चाहिए और कलर कोऑर्डिनेशन होने चाहिए। और जो बच्चे हैं हर एज ग्रुप के बच्चे यहाँ पे 0 to 3-4 months से 12-13 साल तक के बच्चे हैं, तो हर बच्चे के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए ताकि वो बोर ना हो। तो ये सब दिमाग में रख के मैंने ये पूरा क्रिएट किया। देखा सर, बहुत ही मेमोरेबल डे आज का बनाने वाली है मैडम, तो मैडम को कुछ कहना चाहेंगे उर्वशी जी को? नहीं, बस ऐसे ही काम करते रहिए और सबको खुश रखिए। मुझे प्रोवाइड करते रहिए। ये बात भी सही है। Well, इससे ज़्यादा प्रोवाइड करिए, इससे ज़्यादा करूँगी। Well, बहुत खुशी का दिन है, वेटिंग ऑल फॉर ऑल माई फ्रेंड्स, अभी आते ही होंगे सारे, ऑलमोस्ट सम ऑफ देम आर हियर एंड मोस्ट ऑफ देम विल बी हियर। आई मीन अभी लगभग न्यू ईयर का सीज़न आ ही रहा है, मैं सबको बधाइयाँ देना चाहूँगा और मैं कहना चाहूँगा फॉर ऑल द पेरेंट्स, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ
टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि यही चीज़ है और यही मोमेंट्स है जो लाइफ में वापस नहीं आते, चाहे वो कितने भी साल के हो। आप ये ना सोचे कि वो बड़े होंगे तब वक्त देंगे, लेकिन कोई भी वक्त उनके साथ बिताया हुआ हमेशा अच्छा होगा। अच्छा, यू नो हर किसी को, मैडम आपसे भी जानना चाहूँगा, हर किसी को आपके प्रोजेक्ट का बहुत इंतजार होता है। सो आने वाले दिनों में 2020 आपके अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट देखेंगे हिंदी में, आप प्रोड्यूस करेंगे, आप एक्ट करेंगे? वेल, हम तीन पिक्चरें प्रोड्यूस कर रहे हैं 2020 में, मराठी में और तेलुगु में और एक हिंदी में, तो तीनों लैंग्वेजेस में कर रहे हैं। और मैं जिस फिल्म को स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब जिसमें मैं एक्ट कर रहा हूँ, वो अप्रैल में चालू होगी, तो वो मैंने थोड़ा अभी अंडर रैप्स रखा है, लेकिन बहुत जल्द पता चलेगा। जॉनर क्या होगा सर जो मैं एक बायोपिक कर रहा हूँ, लेट इट बी अ सरप्राइज। मैं एक बायोपिक फिल्म कर रहा हूँ, मैं पहले भी इस बारे में बोल चुका हूँ, बट उसकी शूटिंग थोड़ी सी कठिन है, जो मुझे प्रिपेयर करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो वो ये साल मई में चालू होनी थी। उसके स्पेसिफिक लोकेशन है, स्पेसिफिक वेदर में उसको शूट करना है, तो इसलिए वो एक साल पुश होके अप्रैल में स्टार्ट होगी। मैडम, आपने भी जितना आई वर्क वेरी हार्ड टू लूज दिस वे, आई वॉज 97 kg आफ्टर माई डिलीवरी, जस्ट 3 kg कम 3 digits से, आई लॉस्ट good amount of weight. I'm still on my process to losing weight. Let's see after that I'll do something. कुछ upcoming आपका भी ऐसे announcement ऐसा मालूम हो सकता है? You never know. Again. My best wishes to all the viewers. I'm very happy. और जैसे मैंने कहा, अपने बच्चों के साथ time spend कीजिए और खुश रहिए, enjoy कीजिए. Thank you. Birthday. I want to wish him all the love and all the blessings, and Sachin and Urvashi are very dear friends, so I'm very happy to be there for their son's birthday. It's as close as my son, so I'm very excited.
I think it's the day you become a mother also, so it's extremely special. And you know, अगर मैं रितेश जी की बात करूँ इन दिनों जो back to back उनकी फिल्में आ रही हैं सभी हिट हो रही हैं चाहे मर्जावां की बात करें आप बताइए आपको कौन सी हाल फिलहाल उनकी मूवी पसंद आई है और आपने बहुत enjoy किया? I've enjoyed both his films. I think it's great that he's had two different genres, two big films, two hit films. It's always success is always special. So yeah. Yes, I hope so. I mean, I'm of course I'm open. I'm excited. Let's see what comes my way. Pata nahi yaar. Depends on the script. I think whatever script is fit for me is the script that I'm gonna do. Yeah. Thank you. Thank you. So we want to wish Shivansh a very happy birthday, Bella और Vienna की तरफ से और TJ और KV की तरफ से भी और इनकी आंखें तो नींद ले रही थी जैसे यहाँ पर एंट्री मारी इन्होंने हाँ पहला You want to see the rides? Hello. I'm going to see the rides. Oh, yeah, man, I'm ready. Okay, go to train. Go to train. For this competition, you know, ऐसे में बचपन की कितनी यादें ताजा हो जाती हैं आप लोग की भी। भाई कौन सी ताजा हो रही है? हमारे यहाँ तो होता नहीं था ऐसा। हमारे कोई ऐसी पार्टी मिली नहीं। हमारे घर में पार्टीज हुआ करती थी। इसका इसका पता नहीं। वो भी छोटी थी। हाँ, ये कनाडा में पली बड़ी है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं। जोर शोर से होती थी। दिस इज द मोस्ट ये ना एक ऐसा दिन है जहाँ पे और जितने ज्यादा बड़े होते जा रहे बच्चे उतने ज्यादा उनको है ना ये सब चीजें लुभाती है मजा आता है हमें उससे ज्यादा मजा आता है जो ऑर्गेनाइज करता है उसके लिए तो ठीक है लेकिन जिस पार्टी में जाना होता है ना तो फ्रेंड्स बहुत मस्ती करते हैं बिकॉज वी लुक फॉरवर्ड फॉर द किड्स टू हैव अ गुड टाइम हमारा बचपन वापस आ जाता है हमें मौका मिलता है एंजॉय करने में क्योंकि जब हम इतने छोटे थे हमारी कोई ऐसी बड़ी बर्थडे पार्टी नहीं थी छोटा सा केक था थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक्स एंड दैट फोर फाइव फ्रेंड्स सो और चिप्स सो दिस इज रियली एक्साइटिंग फॉर अस जितना हो सके हम कभी कोई बच्चे की पार्टी नहीं मिस करते चाहे हमारी इवेंट्स कोई निकल जाए छूट जाए नॉट एनी बर्थडे इवेंट्स